एनिमल फिल्म में दिखाया गया था ये मैरिटल रेप सीन। आपको इस फिल्म का एक चेहरा तो याद होगा, मानसी तक्षक, जिन्होंने बॉबी देओल यानी कि अबरार की तीसरी पत्नी का रोल अदा किया था। बॉबी देओल और मानसी के बीच एक्सट्रीमी और जबरदस्ती का एक सीन होता है, जिसका सपोर्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो सीन असॉल्ट की तरह ना देखें। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर एनिमल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, पर दूसरी ओर अगर गौर किया जाए तो इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। हाल ही में संसद तक इस पर काफी चीजें बोली गई, जिसमें महिला एमपी ने कहा कि उनकी बेटी इस फिल्म को देखते हुए थिएटर से रोती हुई निकली, क्योंकि फिल्म में दिखाए जाने वाले कुछ सीन ऐसे थे जिन पर लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। जिस तरह के डायलॉग्स इसमें बोले गए हैं उन पर भी लोगों को काफी बातें हो रही हैं। फिल्म में कई नए चेहरे भी दिखे, जिनमें से एक थी मानसी तक्षक। जी हाँ, जिन्होंने बॉबी देओल यानी अबरार की तीसरी पत्नी का रोल अदा किया था। बॉबी देओल और मानसी के बीच एक मैरिटल रेप सीन भी होता है, जिसका सपोर्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो सीन असॉल्ट की तरह ना देखें। बॉबी के किरदार ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीन को अगर ट्विस्ट करके देखा जाए तो इसमें ये दिखाया गया है कि अबरार उस समय अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से भरे थे, जिसकी वजह से उन्होंने केवल मुझ पर नहीं उस सीन में अपनी सारी पत्नियों पर फ्रस्ट्रेशन निकाला उस रेप सीन पर। मीडिया से बात करते हुए इस सीन के बारे में मानसी तक्षक ने कहा, जब अबरार को सीन में अपने भाई की मौत की खबर मिलती है तो उसे गुस्सा आता है। पहले वो उस मैसेंजर को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद वह तीसरी पत्नी को असॉल्ट करता है, इसके बाद वह अपनी पहली दो पत्नियों से बेडरूम में चलने के लिए कहता है, उनके साथ भी वॉयलेंस करता है। ये बहुत ही बेहतरीन सीन फिल्माया गया है फिल्म में। मानसी तक्षक ने बताया, अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ होगा तो हर किसी के लिए ये शॉकिंग होगा, कोई भी अपनी शादी पर इस तरह का वॉयलेंस नहीं चाहता है। पर जब फिल्म में वेडिंग सीक्वेंस शुरू हुआ था तो उसमें लाइट्स को काफी अच्छे तरीके से रखा गया था, आर्ट को अच्छे से दर्शाया गया था, सब कुछ काफी खूबसूरत था सिवाय इस सीन के। सबको खूबसूरत नजर आता है, पर अचानक से ये वॉयलेंस अगर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? हम यहाँ इस सीन को करके ऑडियंस को सिर्फ यही बता रहे हैं कि एनिमल आ रहा है, और एनिमल थे बॉबी देओल। दोस्तों, आपको एनिमल फिल्म में किसका किरदार सबसे बेहतरीन लगा, बॉबी देओल या फिर रणबीर कपूर या कोई और? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी कई बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।